हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैस्मिक इंग्लिश एकेडमी। आज के लेसन में हम बात करेंगे सूट मॉडल वर्ब के विषय में। इसमें मैं आज बताऊंगा आप लोगों को फाइव यूजेस ऑफ सूट मॉडल वर्ब। सो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। विदाउट अ फर्दर ऑर्डर लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट यूज है सूट का। जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तब शैल को हमें सूट में चेंज करना होता है। तो यहाँ पर हमें सूट का प्रयोग करना होता है, ये हमारा फर्स्ट यूज है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, आई सेड दैट आई शुड गो। सो ये सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट स्पीच में है। जब ये डायरेक्ट स्पीच में होता है यहाँ पर सूट की जगह शैल होता है। उसी तरीके से ही सेड दैट दे शुड टॉक टू हिम। तो यहाँ पर भी जब ये डायरेक्ट स्पीच में होता है तो दे शैल का यूज़ होता है। जब हमें इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसे हमें सूट में चेंज करना होता है। जब भी हमें किसी कर्तव्य को बताना हो या किसी को एडवाइस करना हो तब हमें सूट का प्रयोग करना होता है। सो जैसे कि यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हो, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। यहाँ पर ड्यूटी और एडवाइस दोनों का बोध हो रहा है। वी शुड स्टडी हार्ड टू पास द एग्ज़ाम। ये एक एडवाइस है, ये सलाह है। एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमें कड़ी स्टडी करना चाहिए, कड़ी मेहनत करना चाहिए या कड़ी तरीके से पढ़ाई करना चाहिए। यहाँ पे एक एडवाइस का बोध हो रहा है। थर्ड यूज है टू एक्सप्रेस पर्पस। सो हम थर्ड यूज में हम जानेंगे कि किस तरीके से सूट की मदद से हम किसी पर्पस को, पर्पस मीन्स उद्देश्य, कोई मकसद को जब भी हमें एक्सप्रेस करना होता है तो हम कैसे सूट की मदद से इसको एक्सप्रेस करेंगे। आइए जानते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ही वॉक्स हार्ड लेस्ट ही शुड फेल। ठीक है, यहाँ पर लेस्ट कंजक्शन का यूज हुआ है। वो कड़ी मेहनत करता है ताकि वो असफल ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पर शुड का जो सेंस है चाहिए वाला नहीं है बल्कि ना हो जाए। लेस्ट का मतलब यहाँ पर ताकि भी होता है और साथ ही साथ कहीं ऐसा ना हो, ऐसा भी होता है। ठीक है, वो कड़ी मेहनत करता है कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए, ताकि वो असफल ना हो जाए। दोनों एक ही सेंस है। इस तरीके से यहाँ पर किसी उद्देश्य को प्रकट करने के लिए, उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए हम सूट का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट है, शी वॉक्स हार्ड सो दैट शी शुड पास द एग्ज़ाम। वो कड़ी मेहनत करती है ताकि वो परीक्षा पास कर सके। ठीक है, पास कर सके वाला सेंस के लिए हम यहाँ पर सूट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो परीक्षा पास कर सके ये एक पर्पस है। ठीक है, इस तरीके से उद्देश्य को दिखलाने के लिए हम सूट का प्रयोग करते हैं। तीसरा यूज है ये। फोर्थ यूज है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब कोई संभावना। इसी संभावना को बताने के लिए भी हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर देखिए, शुड दे प्ले वेल दे विल विन। अब यहाँ पर चाहिए वाला ये सेंस नहीं है। ठीक है, ये हमें संभावना बताने के लिए हमने यहाँ पर शूट का यूज़ किया है। तो इसका मतलब होता है अगर वे अच्छा खेलेंगे तो जीत जाएंगे। ठीक है, जब भी हमें इस तरीके का वाक्य को बताना हो, किसी संभावना को बताना हो तब हमें शूट का प्रयोग करना होता है। जैसे दूसरा भी देखिए यहाँ पर, शुड ही सी मी ही वुड नो मी एट वंस। अगर वह मुझे देख ले तो वह मुझे तुरंत पहचान लेगा। ठीक है, तो इस तरीके का प्रोबेबिलिटी को दिखलाने के लिए हम सूट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सूट का मतलब जो है चाहिए वाला नहीं है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में लेगा, ठीक है, जीतेगा, ये सेंस में हम यहाँ पर सूट का प्रयोग करते हैं। लास्ट यूज है एजम्पशन और इन्फरेंस। ठीक है, एजम्पशन मीन्स मान्यता या किसी चीज़ को मान लेना। इन्फरेंस मीन्स किसी चीज़ का अनुमान लगाना। ये हमारा लास्ट यूज है। चलिए इसको भी समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो यहाँ पर दे शुड बी हियर बाय नाउ। ठीक है, ये मेरा इन्फरेंस है, अब तक वे यहाँ आ गए होंगे। ये मेरा अनुमान है, मैं अनुमान लगा सकता हूँ अब तक वो यहाँ आ गए होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हम शुड का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है, यू शुड हैव डन योर वर्क। तुम्हें अपना काम करना चाहिए था। ये मेरा क्या है, ये एक मेरा एजम्पशन है कि मैं मानता हूँ कि तुम्हें वो काम करना चाहिए था। तो इस तरीके से हम सूट का प्रयोग इन्फरेंस या एजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये छोटा सा लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ये वाला वीडियो देख सकते हैं।